प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु अपने वादों को, अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करे, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु आपके जीवन में अपने वादों को जो उसने बाइबल में किए हैं, उन वचनों को वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला राजा उसका 8:23 से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, सुलेमान कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे समान कोई दूसरा नहीं है, न तो कोई स्वर्ग पर, न कोई पृथ्वी पर, तेरे समान कोई भी नहीं है। तो ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो लोग तेरे पीछे संपूर्ण हृदय से चलते हैं, तुझ पर भरोसा रख के चलते हैं, सच्चे मन से तेरे पीछे चलते हैं, जो हर बात में तुझ पर निर्भर रहते हैं प्रभु, तो उनके जीवनों में अपने वादों को पूरा करता है, तो उनके जीवनों में अपने वचनों को पूरा करता है। जो लोग अपने आप को ऐसा चलते हैं कि मानो वो तेरे सम्मुख हों, अपने जीवन में वो तेरे डर और तेरे भय में जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में तू कार्य करता है, ऐसे लोगों के जीवन में तो अपने वचनों को, अपने वादों को पूरा करता है। दोस्तों, आसाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वादों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। क्यों पूरा करेंगे? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, क्योंकि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप विपरीत समय पर और उस पर निर्भर हैं, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करेगा। आप संपूर्ण हृदय से, सच्चे मन से उस पर निर्भर रहें, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक बात के लिए आप उस पर निर्भर रहें। और जब आप उस पर निर्भर रहते हैं, जब आप संपूर्ण मन से उसके पीछे चलते हैं और ऐसा चलते हैं कि मानो आप उसके सम्मुख चल रहे हों, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर की विधियों पर चलना, जो कुछ बातें उसने कही हैं उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करेगा, उन वादों को जो उसने बाइबल में किए हैं, जो उसने आपसे किए हैं। इसी प्रकार से सुलेमान यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने अपने वादों को मेरे पिता दाऊद से किया था और तूने उन वादों को मेरे जीवन में, हमारे सबके जीवनों में पूरा कर दिया है प्रभु, इसलिए तेरे समान कोई दूसरा नहीं, तेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं जो अपने लोगों के लिए कार्य करता हो, जो अपने लोगों के जीवन में अपने वादों को पूरा करता हो। तो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। दोस्तों, इसी प्रकार से आसाम में मैं आपसे कहूंगा, आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने जो वादे किए हैं आपके लिए बाइबल में या फिर पर्सनली, प्रभु उन वादों को आपके जीवन में पूरा करेगा, उन प्रोमिसेस को प्रभु आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। इसलिए आप धीरज से उसकी बाट जोते रहें, संपूर्ण हृदय से उसके पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, वो निश्चय आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ऋतु है, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार YouTube पर रोज आपके प्रेयर में सुबह शाम शामिल होते हैं। और आज मेरा गवाह ये है कि मैंने ब्रदर पीके मसीजी और सिस्टर अमृता जी को मेरे हस्बैंड के सरकारी जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और प्रार्थना के द्वारा मेरे हस्बैंड को विदेश में सरकारी जॉब मिल गए हैं। महिमा स्तुति परमेश्वर की हो, यीशु मसीह की महिमा हो, जिन्होंने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। साथ ही मैं ब्रदर पीके मसीह जी और सिस्टर अमृता जी और उनके सारे टीम को धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे अब्बा, प्यारे यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु, जब तूने प्रभु अपने लोगों को दुनिया की छोर से परमेश्वर इस प्रार्थना में प्रभु इन्वाइट किया है परमेश्वर, तूने उन्हें जोड़ा है परमेश्वर कि वो तुझसे बातचीत करें और प्रभु तू उनके साथ संगति कर सके। धन्यवाद इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु जो इस शाम में तूने हम सबको दिया है परमेश्वर, हम सबके हृदयों को पिता परमेश्वर तूने इसके लिए तैयार किया प्रभु कि हम तेरे सम्मुख बैठकर परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करें। आज हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर इस प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, जो तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जो तुझसे आज कहने के लिए बहुत कुछ कहने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह, अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में आप प्रेजेंट करें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु वो महसूस करे कि तेरी पाक उपस्थिति उनके साथ में है। धन्यवाद करते प्रभु, तू बुद्धिमान और अति सामर्थी परमेश्वर है मेरे खुदावन, सच में प्रभु इसीलिए प्रभु हम तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु, तेरे समान ना तो पृथ्वी पर ना स्वर्ग में कोई है मेरे खुदा, इसलिए प्रभु हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विश्वास योग्य है, जिसके तुल्य कोई भी नहीं है। हाँ परमेश्वर पिता, तू अपनी अनंत महिमा में है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्रभु बहुत से भाई बहन है पिता परमेश्वर, बहुत कुछ कहने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ बातें शेयर करने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए तैयार हैं, कुछ खुशी के पार्ट्स भी शेयर करने के लिए तैयार हैं। खुदावन आज सबको आप आशीष दे, आज आप सबकी विनतियों को सुने, आज उनके जीवन में आप वो करें जो उनके जीवन में कभी भी नहीं हो पाया प्रभु। हाँ प्रभु, आज इनके प्रार्थना का उत्तर दे, असंभव कार्यों को संभव करे, जो मुश्किल है उसे आसान इनके जीवन में करे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु विशेषकर आज की शाम में प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपका वेलकम करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर होली प्रेजेंस इन दिस इवनिंग विद अस लॉर्ड फादर। आपकी वो पवित्र पाक उपस्थिति हम सबके साथ में है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में है। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु तेरे नाम से, हाँ तेरे सामर्थ्य नाम से, उस अति सामर्थ्य नाम से प्रभु ने आशीष देते हैं मेरे खुदा। और होने दीजिए प्रभु की तेरा आत्मा इसी समय संपूर्ण रीति से उनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड लॉर्ड फादर, ग्लोरी 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 योर नेम फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम में मेरे प्रभु वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, अपनी शिक्षा के लिए धन्यवाद, उन वादों के लिए धन्यवाद जो आप हमसे करते हैं प्रभु। आपने वचनों में प्रभु बहुत सारे वादे प्रभु तूने हम लोगों से किए हैं, अपनी पवित्र प्रजा से किए हैं, अपने चुने हुए लोगों से किए हैं। और आज प्रभु इस बात को हम जाने हैं, तू वही परमेश्वर है जो अपने वादों को पूरा करता है, तू वही परमेश्वर जो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता प्रभु। तू मनुष्य नहीं कि वादे से मुकर जाए, तू मनुष्य नहीं कि धोखा दे, परंतु पिता हम जब मनुष्य के वादे पर विश्वास करते तो प्रभु हम लज्जित होते हैं, परंतु प्रभु तू स्वर्गीय परमेश्वर है, वादों को पूरा करने वाला है और हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते प्यारे खुदावन। आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसी गलती, ऐसा गुनाह जो तेरी नजरों में अच्छा नहीं है प्रभु, हम लोगों से हुआ है प्रभु, क्षमा करे पिता। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्यारे अब्बा, उतनी ही दूर हमारे गुनाहों को, उन गलत बातों को जो हमारे जीवन को गंदा करती है प्रभु, जो हमारे जीवन को खराब करती है प्रभु, दूर कीजिए प्यारे अब्बा। धन्यवाद क्षमा के लिए, धन्यवाद दया के लिए, धन्यवाद अपनी करुणा के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, वचन सुने हैं, अपने जीवन में उन्होंने रिसीव किया है और आज इस बात पर उन्होंने भरोसा किया है प्रभु कि जब वो तेरे पीछे चल रहे हैं, जब वो तेरे विश्वास योग्यता को देख रहे हैं प्रभु, तो पिता जो वायदे तूने किए हैं वो पूरा करने तो उनके जीवन में जा रहा है प्रभु। आज वो वायदे प्रभु, जब तूने वायदे वचनों के द्वारा अपने लोगों से किए हैं कि तूने कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु, तूने वादा किया मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तूने वादा किया है परमेश्वर कि मैं तुम्हारी संतान को आशीष दूंगा, तूने वादा किया है कि मैं तुम्हें धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाऊंगा, तूने वादा किया है परमेश्वर कि मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। इस प्रकार के वायदे आज हम स्मरण करते हैं पिता, उन वादों को स्मरण करते प्रभु, अपने अपने लोगों से जो बातचीत किया है, वायदों को आपने बताया है, वही वायदा उनके जीवन में उनके परिस्थिति के हिसाब से पूरा होने पाए पिता। लॉर्ड मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार दाऊद राजा
से प्रभु जो वायदा आपने किया वो प्रभु तूने उसके परिवार और उसके बेटे के जीवन में पूरा किया। वही परमेश्वर आज जो वायदा प्रभु तूने अपने लोगों से उनके बच्चों से किया है प्रभु वो वायदा उनके जीवन में पूरा करे मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते परमेश्वर विशेष का प्रभु जितने प्रार्थना विनतियां प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग आज लेकर तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु अपनी जरूरतें के लेकर बैठे हैं कुछ आशा कुछ उम्मीद लेकर बैठे हैं प्रभु यीशु उन आशा उम्मीद के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी आशा और इनकी उम्मीद तुझ में पूरी हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज पारिवारिक समस्या लेकर बैठे हैं प्रभु उनकी पारिवारिक समस्या को मैं तेरे आगे रखती हूँ पिता कि उन पारिवारिक समस्याओं से उन्हें छुटकारा दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब अपने जीवन की उन बुरी परिस्थितियों को लेकर वो दुखी हैं निराश हैं डिप्रेशन में चले गए हैं तनाव में हैं बहुत ज़्यादा चिंता डिप्रेशन हो रहे हैं प्रभु उस डिप्रेशन को उस चिंता को उस चिंता के विषय को आपके आगे लाती हूँ पिता और प्रभु आपके आगे उस बात को रखती हूँ प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब तेरे लोग आज भी प्रभु तुझे जानकर अंधकार का जीवन जी रहे हैं पिता यीशु मसीह उस अंधकार को आपके सम्मुख लेकर आती क्योंकि तू ज्योति है और तू अंधकार को दूर करके ज्योति में परिवर्तित करता है परमेश्वर। आज इनके जीवन के अंधकार को दूर करें पिता और इनके लाइफ को ज्योतिर्मय करें प्रभु इनको प्रभु आप अपनी लाइट से भर दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब प्रभु इनके जीवन में डर है जब इनके जीवन में बुरे नेगेटिव थॉट्स हैं जब इनके विचार नकारात्मक हैं प्रभु जब दुष्ट इनके विचारों में अपना कार्य कर रहा है इन्हें प्रभु स्पॉइल कर रहा है इन्हें इनके जीवन को खराब कर रहा है प्रभु आपसे दुआ है पिता कि आज की शाम में पिता उस डर को उस नकारात्मक हर एक विचार को यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं पिता क्योंकि तू जो वादा करता है वो पूरा करता है। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु आपके लोग डर में होते हैं तो आपका वचन इस बात को कहता है मैं मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रार्थना विनतियाँ प्रभु जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु तेरे लोगों ने तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु अपने लिए अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए अपने जानने वालों के लिए अपने निवेदन को दिया है प्रभु अपने परिजनों के जीवन में आप कार्य करें अपने चुने हुए लोगों के जीवन में आप कार्य करें उनकी सुधि लें प्रभु यीशु मसीह जीवन के उस हर एक फील्ड में जो प्रार्थना विनतियाँ दी गई हैं वहाँ पर कार्य कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आज रात के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं पिता सुकून भरी नींद को मांगते हैं कि आप उन्हें अच्छी नींद दें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में चलते हैं तो हर एक उत्तम बातें प्रभु आप हमारे जीवन में देते हैं परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देते हैं तेरे चल जो तेरे डर भय में चलते प्रभु उन्हें प्रभु आप आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। आज प्रभु ये सब लोग प्रभु तेरे डर और भय में चल रहे हैं पिता तेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं तेरी विधियों को मान रहे हैं उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु वायदों को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। सच में पिता जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं आपने कहा मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा परमेश्वर आप उन्हें अकेलेपन से दूर करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में सुंदर संगति के लिए धन्यवाद एक एक की सुधि लेने के लिए एक एक को आपने छुआ प्रभु यीशु मसीह एक एक के हृदय में कार्य किया धन्यवाद। जो बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर दर्द में है पीड़ा में है परमेश्वर प्रभु आपने बहुत से भाई बहनों को चंगा किया है प्रभु हम गवाहियों में देखते हैं प्रभु कि तूने बड़े बड़े रोगों से उन्हें आज़ाद किया। आज यीशु मसीह जितने लोग रोगी हैं खुदावन उनकी सुधि लीजिए प्रभु उनके शरीर की उनकी पीड़ा की उनके दर्द के जगह की सुधि ले प्रभु यीशु मसीह इसी समय उन्हें आप छू लें और चंगा करें प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बीमारी हर एक वो दर्द हर एक वो चोट हर एक वो घाव यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से दूर हो जाए इनका शरीर चंगा हो ये स्वस्थ हो यीशु के नाम से खुदावन प्रभु इनके परिवार से हर प्रकार का रोग निकल जाए इनके शरीरों से हर प्रकार का रोग निकल जाए इनके बच्चों के शरीर से वो रोग निकल जाए बुजुर्गों के शरीर से हर एक रोग निकल जाए और ये सर से लेकर पैरों तक यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता चंगाई के लिए आपने चंगा किया लॉर्ड अभी छुआ प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते जितने लोगों ने प्रभु YouTube कमेंट बॉक्स में Instagram Facebook Telegram में निवेदन निरंतर भेज रहे हैं प्रभु उन्हें आप आशीषित करें उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते सारी बातों में पिता आपको आदर महिमा जलाल देते हैं प्यारे यीशु और इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन।